अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे लोग खैरियत होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ किस तरह से आप आस्ट्रा थीम को यूज़ करते हुए एक अच्छा रिस्पॉन्सिव फास्ट लोडिंग ब्लॉग डिज़ाइन कर सकते हैं, और उसके अंदर उसकी मैं कस्टमाइजेशन भी बताऊँगा किस तरह से लोगो बना के उस ब्लॉग के ऊपर लगाना, किस तरह से एक फुली फंक्शनल ब्लॉग बनाना है अपने लिए, अपने क्लाइंट के लिए, या कोई नया ब्लॉग आप स्टार्ट करने जा रहे हैं लेकिन आपको नहीं समझ आ रहा किस तरह से वो डिज़ाइन करेंगे, किस तरह से उसको मैनेज करेंगे। आपको किसी को हायर करने की ज़रूरत नहीं है, किसी कोडर को हायर करने की ज़रूरत नहीं है, किसी डेवलपर या डिज़ाइनर को पैसे देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो आप लोगों के लिए है, आप सिंपल इसको फॉलो करने के बाद अपना जो ब्लॉग है वो अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर पाएंगे, जो कि अच्छा फास्ट लोडिंग ब्लॉग होगा और टोटली रिस्पॉन्सिव होगा। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर इसको प्रैक्टिकल करते हैं। जी तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखें हमारे पास जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल्ड हो चुका है, और सिंपल यहाँ पे देखें हमारे पास बेसिक सा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली वेबसाइट है हमारी। तो सिंपल जाएंगे यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर, थीम के अंदर ऐड न्यू, और यहाँ पे हम सर्च करेंगे आस्ट्रा। ये एक थीम है जो कि टोटली फ्री है, आपको सिंपल इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है, एक्टिवेट कर देना है। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आएगा गेट स्टार्टेड का, तो सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब हम आप अगर अपनी वेबसाइट को देखें तो बिल्कुल बेसिक सा वेबसाइट है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको वापस बैक लेके आता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ और स्टार्टर टेम्पलेट्स, तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है स्टार्टर टेम्पलेट्स में। वर्डप्रेस को थीम को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। नेसेसरी प्लगइन्स जो है वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल एंड एक्टिवेट हो जाएंगे। उसके बाद अपीयरेंस के अंदर जाके आप लोगों ने क्या करना है, स्टार्टर टेम्पलेट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेलेक्ट करना है पेज बिल्डर, ठीक है। और यहाँ पे अब क्योंकि हमारा गोल है ब्लॉग डिज़ाइन करना, तो मैं सिंपल ब्लॉग सर्च कर लूँगा यहाँ पे, और हमारे पास देखें काफ़ी सारे ब्लॉग्स यहाँ पे नज़र आ गए हैं। अब यहाँ पे देखें कुछ प्रीमियम ब्लॉग्स हैं, इनके लिए आपको अपग्रेडेड वर्जन चाहिए होगा इसका आस्ट्रा का, जो कि हम आगे चल के बात करेंगे। मैं आप लोगों को उसकी सेटिंग्स और उसकी सारी चीज़ें किस तरह से यूज़ करना है वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे देखें ये सारी चीज़ें अभी के लिए प्रीमियम हैं और कुछ ब्लॉग्स जो हैं वो काफ़ी फ्री हैं। तो अब यहाँ पे देखें ये एक ब्लॉग है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ और यहाँ पे देखें हमारे पास जो है ब्लॉग वो अच्छे से शो हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं और ये सारी चीज़ें हैं, राइट। तो एक ये ब्लॉग है, फिर इसके अलावा मैं अगर बैक आऊँ और वापस आ गया हमारे पास और काफ़ी, और ये वाला एक ब्लॉग है काफ़ी अच्छा, ठीक है। तो मैं अभी के लिए इसको चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो सिंपल मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करने के बाद ये हमारे पास ब्लॉग है, इसको मैं कस्टमाइज़ करूँगा और एडिट करूँगा आप लोगों के सामने आपके डिज़ायर के मुताबिक। तो मैं इसको यहाँ से आप कलर्स चूज़ कर सकते हैं, जो कि ग्लोबल कलर यहाँ पे सेट हो जाएंगे, आपको किस तरह का कलर्स चाहिए। तो क्योंकि ये एक फ़ैशन ब्लॉग है, हम फैशन ब्लॉग डिज़ाइन करने जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये वाला जो कलर है ये काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, सिंपल कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट बिल्डिंग कर देता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास जो है हमारे जो बेसिक टेम्पलेट है, डिज़ाइन है, वो सेटअप होना शुरू हो गया। अब जैसे ही ये सेटअप होगा इसके बाद हम इसको कस्टमाइज़ करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को हम इसके अंदर निकालेंगे और एक अच्छा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लुकिंग ब्लॉग हम बनाएंगे, और आपको लोगों को बताऊंगा किस तरह से लोगो क्रिएट करना है, किस तरह से ये सारी चीज़ें करनी है। अब यहाँ पे जब तक ये क्रिएट हो रहा है तो हम क्या कर लेते हैं, लोगो क्रिएट कर लेते हैं। लोगो क्रिएट करने के लिए हम कैनवा पे आएंगे। कैनवा पे आने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च करना है लोगो, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से इसको सर्च कर देना है, ठीक। इसको देखते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब अगर मैं अपनी वेबसाइट को रीलोड करूँ तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो हमारा डिज़ाइन है वो सेटअप हो चुका है। अब इसके अंदर काफ़ी सारी चेंजेस हमने करनी है तो वो हम कर लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मैं क्या करने वाला था, हम लोगो क्रिएट करने वाले थे। अब हमें कुछ इस तरह का लोगो चाहिए। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका मैं साइज़ देखता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, वापस इधर आता हूँ और यहाँ पे मीडिया के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि ये जो लोगो है इसका साइज़ क्या है। यहाँ पे इसका लोगो का साइज़ नहीं शो हो रहा, तो ये वाले पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे भी बेसिकली इसका साइज़ शो नहीं हो रहा, तो मैं इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ओपन कर लूँगा और इसको मैं क्या कर दूँ, सेव कर लूँगा।
ठीक है, और ये हमारे पास SVG लोगो जो है वो डाउनलोड हो चुका है। तो ये हमारे पास लोगो था, इसको मैं यहाँ से गेट इन्फो या इसकी प्रॉपर्टीज़ आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास देखें जो इसके ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे शो होने चाहिए। तो ये एक SVG फाइल है जिसकी वजह से ये यहाँ पे इसकी डायमेंशन जो है वो शो नहीं कर रहा, तो मैं अभी इसके लिए कट कर देता हूँ और हम कोई भी डायमेंशन यूज़ कर लेते हैं जो कि हमें सूटेबल लग रही है। अब यहाँ पे ये वाली शो हो रही है, फिर मैं अगेन वापस इधर जाऊँगा और कस्टम साइज़ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा 350x150, ठीक है, ये मेरे ख्याल से काफ़ी सही रहेगा। तो इसको मैंने इस तरह से सेलेक्ट कर लिया, तो ये मैंने एक कैनवस बना लिया। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर बनाना है लोगो, लोगो जो हमारी ये वेबसाइट थी, इसको मैं वापस इधर लेके आता हूँ इस वेबसाइट के लिए। तो इस वेबसाइट पे हमें लोगो बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल ये मैंने दो चीज़ें सेटअप की थी। देखिए, सबसे पहले वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, वर्डप्रेस के बाद मैंने एक बेसिक सा टेम्पलेट जो है मेरे ब्लॉग के रेलिवेंट वो मैंने इंस्टॉल कर लिया। अब मुझे डिज़ाइन करना है लोगो। लोगो डिज़ाइन करने के लिए मैंने एक साइज़ लिया, ठीक है, जो कि ये था, जो भी हमने साइज सेलेक्ट किया 350x150 इस तरह से। तो ये हमारे पास एक कैनवस शो हो गया। अब इसके अंदर हमने लोगो डिज़ाइन करना है। लोगो डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो मैंने यहाँ पे कस्टम साइज़ लिया और एक और काम मैंने ये किया, यहाँ पे क्लिक किया और लोगो पे सेलेक्ट किया, ठीक है, लोगो चूज़ किया और यहाँ पे इस पर क्लिक कर दिया। अब ये हमारे पास दो स्क्रीन शो हो रही हैं। अब यहाँ से हम लोगो उठाएंगे और इसके ऊपर इस डायमेंशन के अंदर सेट करके इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो हमें क्या चाहिए, फैशन का लोगो चाहिए, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फैशन सेलेक्ट किया और यहाँ पे देखें काफ़ी सारे लोगो हैं, बट मेरे ख्याल से देखें काफ़ी सारे लोगोज हैं जो कि फैशन से रेलिवेंट हैं, तो हमारे पास ये लोगो काफ़ी सही लगेगा, ये वाला, ओके। तो यहाँ पे देखें इस लोगो को हमने इस तरह से सिलेक्ट करना है और यहाँ से क्या कर लेना है, कॉपी करके इस वाले डायमेंशन के अंदर पेस्ट कर देना है, ठीक है, और इसको अलाउ कर देना है। तो ये एक यहाँ से ये आ गया और इसको मैंने अगेन कॉपी किया और इस वाले डायमेंशन के अंदर अगेन पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इस वाले डायमेंशन को मैं कुछ इस तरह से थोड़ा सा सेट कर दूँगा और यहाँ पर मैं लिख दूँगा लेट्स सपोज फैशन सिबलिंग्स, ओके, और इसका मैं साइज थोड़ा सा इस तरह से सेट एडजस्ट कर देता हूँ, ओके। ये हमारे पास लोगो बन चुका है, इसको मैं क्या करूँगा, डाउनलोड, यहाँ से डाउनलोड, और इसको मैं क्या करूँगा, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, और इसको मैंने क्या कर लिया, डाउनलोड कर लिया। अब ये मेरे पास एक लोगो डिज़ाइन हो गया। अब यहाँ पे हमें फेव आइकन भी डिज़ाइन करना है। फेव आइकन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे देखें हर टैब के ऊपर हर वेबसाइट का एक छोटा सा आइकन नज़र आता है। तो ये हम किस तरह से बनाएंगे, सिंपल यहाँ पे कस्टम साइज़ के अंदर आएंगे और यहाँ पे 500x500 का इस तरह से एक कैनवस लेंगे और अगेन इस हमारा जो मेन आइकन है उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसको कुछ इस तरह से सेटअप करके सेंटर के अंदर इसको हम डाउनलोड कर लेंगे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ। तो हमारे पास फेव आइकन भी बन चुका है और वो भी हमारे पास लोगो भी बन चुका है। तो यहाँ पे अभी के लिए हमारी वेबसाइट जो है कुछ इस तरह से सेट हो रही है। तो अब सबसे पहले हमें लोगो रिप्लेस करना है और यहाँ पे फेव आइकन लगाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे कस्टमाइज के अंदर जाएंगे। कस्टमाइज के अंदर जाने के बाद हम यहाँ पे साइट आइडेंटिटी में जाएंगे या साइट आइडेंटिटी पे ना भी जाएं तो यहाँ पे देखें आपको पेंसिल आइकन नज़र आ रहा होगा। सिंपल इस पर क्लिक करना है, चेंज लोगो, अपलोड, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, डाउनलोड्स में जाके ये दोनों ही मैं अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये हमारे पास सबसे पहले लोगो है, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं करूँगा स्किप क्रॉपिंग और यहाँ पर हमारा लोगो आ गया। इसका साइज़ जो है वो कम ज़्यादा कुछ इस तरह से आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं ये वाला साइज़ रखूँगा जो कि काफ़ी सही है। अच्छा, मैं कलर चेंज करना भूल गया, आप कर लीजिएगा यहाँ से कैनवा में कलर,
चेंज, जैसे यहाँ पे ये कलर जो है आपकी वेबसाइट का जो भी कलर होगा वो आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारे पास, इसको मैं कट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारा जो भी काम था वो हो चुका है। अब दूसरा काम है हमारा ये वाला आइकन लगाना। तो मैं अगर यहाँ पे बिल्कुल नीचे की तरफ आऊँगा साइट आइकन और यहाँ पे मैं सिलेक्ट आइकन कर दूँगा, ये वाला हमारा आइकन है, इसको मैं स्किप कर दूँगा और इसको मैं पब्लिश कर दूँगा। तो यहाँ पे देखें आप, हमारा जो आइकन है वो नज़र आ चुका है, लग चुका है। इसको मैं रिलोड करूँगा तो यहाँ पे देखें हमारा आइकन लग चुका है, ओके। तो ये हमारा लोगो लग गया, फेव आइकन लग गया और बेसिक डिज़ाइन हो गया। अब हमें इस पूरे डिज़ाइन को थोड़ा सा कस्टमाइज़ करना है। तो अब हम चलते हैं वेबसाइट की मेन स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे देखें हमारे पास ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है। अब इसके अंदर मुझे चाहिए बिल्कुल बेसिक सा सिंपल सा ब्लॉग, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें मुझे कुछ इस तरह से नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल एडिट विद एलिमेंटर करूँगा। बट एडिट विद एलिमेंटर करने से पहले आप लोगों को क्या करना है, एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। सिंपल यहाँ पर आपने आना है डैशबोर्ड के अंदर और यहाँ पे आने के बाद ऐड न्यू करना है और यहाँ पे लिखना है प्रीमियम एडॉन्स। ओके, यहाँ पे हमारे पास प्रीमियम एडॉन्स है। सिंपल इस पे इसको हम इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट कर देंगे। सिर्फ इतना सा काम करना है हमने यहाँ पे। ये हमारा जो प्लगइन है वो इंस्टॉल एंड एक्टिवेट हो चुका है। अब हम चलेंगे एडिट विद एलिमेंटर की तरफ। और इसको मैं कट कर देता हूँ, इसको भी कट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें, मुझे बैकग्राउंड की इमेज चेंज करनी है तो मैं वह यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। इस थ्री डॉट्स पे आके इसके बैकग्राउंड के अंदर ये इमेज चेंज कर सकता हूँ, बट ये इमेज मुझे सही लग रही है। या फिर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, लेट से मैं ये वाली इमेज चूज़ कर लेता हूँ जो कि काफ़ी डिसेंट लग रही है, ठीक है। और यहाँ पे मैं जो भी टेक्स्ट लिखना चाहूँ वो मैं लिख सकता हूँ। ये मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और यही बटन चाहिए, दैट्स ऑल, और अपडेट कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है ये भी मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको कुछ इस तरह से रिमूव कर देता हूँ। और आई थिंक मुझे इनको भी रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कैटेगरीज के नाम लिख देता हूँ, जैसे वार्डरोब स्टाइलिंग, क्लोजेट क्लिनजिंग, ये जो भी है आपका मतलब वो, उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। और ये मुझे ज़्यादा चाहिए तो मैं इसको डुप्लीकेट कर दूँगा, तो ये मेरी कैटेगरीज हो जाएंगी। तो इनके ऊपर मैं क्या करूँगा, मैं लिंक लगा दूँगा उन स्पेसिफिक कैटेगरीज का जो कि मैं इस ब्लॉग के अंदर कवर कर रहा हूँ। आप इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, आपको ये नहीं चाहिए तो इसको डिलीट कर सकते हैं। ये टेस्टिमोनियल्स हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमारा बिज़नेस नहीं है, हम ब्लॉग डिज़ाइन कर रहे हैं, तो इसको भी मैं डिलीट कर दूँगा, इसको भी डिलीट कर दूँगा। तो अब यहाँ पर हम देखें टोटल ये वाली चीज़ें हमारे पास, ठीक है। ये हेडर हो गया, ये फुटर हो गया और ये हमारे पास कैटेगरीज की होंगे। लेकिन अब मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से सिलेक्ट करूँगा इस चीज़ को और यहाँ पे मैं एक सेक्शन ऐड करूँगा। सेक्शन ऐड करने के बाद इस पर थ्री डॉट्स पे क्लिक करूँगा, एडवांस में जाऊँगा, इसके अंदर थोड़ी सी मैं गैप दे दूँगा टॉप से, लेट्स सपोज 5 और 5 और बॉटम से भी 5, ठीक है। ये मैंने एक वो दे दिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड करना है इस तरह से और यहाँ पे मैंने लिखना है लेटेस्ट ब्लॉग्स, ठीक है। इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ और अब इसके नीचे मुझे ब्लॉग शो करवाना है। इन थ्री डॉट्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा सिंपल ब्लॉग। तो यहाँ पे देखें ये ब्लॉग है, इसको मैं इसके नीचे ड्रैग कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये सारे ब्लॉग शो हो गए। अब ये हेलो वर्ल्ड वाला ब्लॉग शो हो रहा है, इसको मैं क्या करता हूँ बैकएंड के अंदर जाके डिलीट कर देता हूँ ताकि ये शो ना हो। तो ये मैं पोस्ट में आ गया और यहाँ से इसको मैं ट्रैश के अंदर डाल देता हूँ और अब मैं अपने ब्लॉग को जो है वो रीलोड करूँगा तो हमारे पास वही ब्लॉग शो होंगे जो हमारे हैं, डमी ब्लॉग शो नहीं होंगे, ताकि अच्छे से हमें डिज़ाइन का पता चल सके किस तरह से डिज़ाइन शो हो रहा है। तो इस तरह से हमारी पोस्ट जो है वो शो हो रही है। अब मुझे ये देखना है कि मुझे अगर यहाँ पे कोई स्पेसिफिक पोस्ट शो करवानी है या कोई इसका स्टाइल चेंज करना है तो वो मैं किस तरह से करूँगा। तो इसका मैं सिंपल इधर पेंसिल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखें इस ब्लॉग की पूरी सेटिंग्स हमारे पास यहाँ पे शो हो गई हैं। सबसे पहले स्टाइल है, मॉडर्न चाहिए, तो यहाँ पर देखें इनका जो डिज़ाइन है वो चेंज हो जाएगा। इसी तरह कार्ड्स की तरह का चाहिए तो यहाँ पर देखें हमारे पास ये इमेज भी आ गई है, आप लगा सकते हैं। ऑन साइड चाहिए तो इस तरह से ब्लॉग को आप शो कर सकते हैं। बैनर चाहिए, इस तरह से आप ब्लॉग्स को शो कर सकते हैं। बट आई गेस क्लासिक जो थे वो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो इस तरह से अब यहाँ पे देखें ये दो कॉलम है,
एक रो के अंदर दो पोस्ट शो हो रही हैं, तो मैं करता हूँ तीन कॉलम्स कर देता हूँ कि एक रो के अंदर तीन ब्लॉक शो हों, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी मर्जी के मुताबिक इनको चेंज कर सकते हैं। पोस्ट पर पेज इनको आप चेंज कर सकते हैं कि एक पेज के ऊपर कितनी पोस्ट आएँ, ठीक है। इक्वल हाइट को आप ऑन कर दें ताकि ये सारे ब्लॉग्स इक्वल हाइट के हों, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे लेट्स सपोज किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर से जो है ब्लॉग शो करवाना है, तो यहाँ पे देखिए मैच कैटेगरी, और यहाँ पे मैं उस कैटेगरी का नेम लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो ब्लॉग शो हो वो सिर्फ इस कैटेगरी से हो। अगर आप कोई भी ब्लॉग सेलेक्ट नहीं करते, कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट नहीं करते, तो क्या हो जाएगा, आप लोगों को यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो लेटेस्ट ब्लॉग आप पोस्ट करेंगे बैकएंड से, वो सारी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगी। और यहाँ पे देखें काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं जिसके अंदर से आप काफ़ी सारी फीचर इमेज के ऊपर आप चेंज कर सकते हैं। इसका जो जैसे शो फीचर इमेज, अगर आप शो नहीं करवाना चाह रहे तो इसको हाइड कर सकते हैं, जो फीचर इमेज आपकी शो नहीं होंगी, शो करवाना चाह रहे हैं हो जाएगी। जब कोई होवर कर रहा है, जूम इफेक्ट आ रहा है, इफेक्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। और इसी तरह से फिर यहाँ पर डिस्प्ले ऑप्शन हैं, आप इनको सेंटर में शो करवाना चाह रहे हैं, लेफ़्ट राइट, मतलब तमाम सेटिंग्स जो हैं इस पूरे डिज़ाइन की, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। फिर इनके कलर्स वगैरह चेंज करने हैं आप लोगों ने, तो स्टाइल में आके इनके कलर्स वगैरह आप यहाँ से इस तरह से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये इमेज ओवरले है, ये टाइटल है, टाइटल का जो कलर है वो कुछ इस तरह से हम यहाँ से चेंज कर सकेंगे, ठीक है। तो मेटा डाटा, इसका जो कलर है वो हम यहाँ से चेंज कर सकेंगे। ये देखें ये जो मेटा डाटा है, तो इसका ये कलर यहाँ से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जो भी आपको कलर सूटेबल लगे वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह बॉक्स की सेटिंग और इसके अंदर मार्जिन, हेडिंग, सॉरी पैडिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो पूरी सेटिंग्स आप यहाँ से कर लोगे। तो अभी के लिए ये सारी चीज़ें काफ़ी हैं। पर मुझे यहाँ पे कितने ब्लॉग्स चाहिए थे, चार नहीं, मुझे यहाँ पे छः चाहिए। अगर मेरे मैंने ऑलरेडी छः ब्लॉग्स पब्लिश किए हुए हैं तो छः के छः यहाँ पे कुछ इस तरह से शो हो जाएंगे, ठीक है। इसका जो फीचर इमेज वो लगा नहीं हुआ होगा, इस वजह से यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो दैट्स ऑल, इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें हमारी जो ब्लॉग की लुक है वो कुछ इस तरह से शो हो रही है। अगर मैं इसको आपको दिखाऊं, हमारे पास हेडर है, यहाँ पे हमारे लेटेस्ट ब्लॉग शो हो रहे हैं, यहाँ पे हमारी कैटेगरीज शो हो रही हैं, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें शो हो रही हैं। अब इन कैटेगरीज के ऊपर मुझे लिंक लगाना है, तो मैं वापस इधर जाऊँगा बैकग्राउंड के अंदर, और यहाँ पे हमारे पास ये है पोस्ट और यहाँ पे कैटेगरीज। अब यहाँ पे देखें हमारे पास सारी कैटेगरी शो हो रही हैं। आपको नई कैटेगरी ऐड करनी है तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तीन ही कैटेगरीज ऐड की हुई हैं ऑलरेडी, तो मैं मुझे यहाँ पे तीन ही कैटेगरीज चाहिए, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे देखें इनको चेंज कर दूँगा। यहाँ पे सबसे पहले फैशन है, इसके राइट क्लिक करके इसका लिंक कॉपी कर लूँगा मैं, और यहाँ पे देखें मैं लिंक ऐड कर दूँगा फैशन वाला, ठीक है, कि फैशन कैटेगरी, और यहाँ पे इसका नाम चेंज कर दूँगा फैशन। इसी तरह से सेकंड वन का मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी जो है ग्रूमिंग, इसको कॉपी करूँगा इसकी लिंक को, और यहाँ पे मैं ग्रूमिंग ऐड कर दूँगा। और यहाँ पे सिमिलरली मुझे क्या करना है, ट्रेंडिंग कॉपी, और यहाँ पे अब जो भी शख्स इन पे क्लिक करेगा उसको इसी तरह की, मतलब उसी कैटेगरी की पोस्ट शो होंगी, ठीक है। इसको मैं अपडेट करके यहाँ से आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें जब भी कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा तो इसके अंदर से उसको उसी पार्टिकुलर कैटेगरी की पोस्ट जो है वो नज़र आएंगी, ठीक है। तो ये आपको समझ आ चुकी है किस तरह से आपने वो डिज़ाइन करना। अब यहाँ पर ये जो ब्लॉग पेज है वो हमें कुछ इस तरह से शो हो रहा है, जबकि हमें इस तरह से ब्लॉग पेज नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा, सेट किस तरह से करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर आने के बाद रीडिंग के अंदर आऊँगा, और यहाँ पे हमारे पास जो है पोस्ट पेज, इसको सेलेक्ट कर लूँगा ब्लॉग पेज, और यहाँ पे मैं इसको सेव चेंजेस कर दूँगा। अब मैं इसको विजिट करता हूँ अगर अपने ब्लॉग वाले पेज को, तो यहाँ पर देखें हमारे पास कुछ काफ़ी अच्छे तरीके से इस तरह से ब्लॉग शो हो रहा है, ठीक है। अब हमें कस्टमाइजेशन करनी है इस ब्लॉग वाले सेक्शन की, जैसे राइट साइड बार मुझे यहाँ पे लगाना है, और जब भी कोई बंदा इस ब्लॉग को ओपन करे तो यहाँ पे राइट साइड बार आना चाहिए, ठीक है। इसकी जो साइजिंग है, इसके कलर्स हैं, ये सारी चीज़ें हम किस तरह से एडिट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे मुझे ब्लॉग वाले सेक्शन को ऐड करना है, तो हमने यहाँ ब्लॉग वाले सेक्शन के अंदर आया इस तरह से, और फिर इसके अंदर मैंने क्लिक किया कस्टमाइज के ऊपर,
अब जैसे ही मैं उस ब्लॉग वाले पेज के ऊपर आया और मैंने कस्टमाइज पर क्लिक किया, तो ये मुझे ऑटोमेटिकली कुछ इस तरह से शो करवा देगा, वही ब्लॉग वाला पेज, और यहाँ पे हमारे पास कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मौजूद हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखें, ये ब्लॉग वाले सेक्शन में आना है और ब्लॉग आर्काइव वाले सेक्शन में आना है। ये बेसिकली ब्लॉग आर्काइव है, राइट। अब यहाँ पर मुझे एक राइट साइड बार ऐड करना है, तो सिंपल क्या करूँगा मैं, यहाँ पर देखें ये राइट साइड बार, और यहाँ पर ये देखें ये राइट साइड बार ऐड हो चुका है। इसके अंदर से जो जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए उनको मैं डिलीट कर दूंगा। जैसे अगर ओके अनबॉक्स्ड बॉक्स्ड, इस तरह से आप इनकी जो सेटिंग्स हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बॉक्स्ड कर दिया, ये डिफ़ॉल्ट पे ही रहने देता हूँ मैं इसको, ठीक है। फिर इसके डिज़ाइन जो हैं, अब ये सारी चीज़ें ना अब इनको मैं एडिट नहीं कर पा रहा, क्यों, क्योंकि ये प्रो वर्जन के अंदर है, जो कि आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगा सिखाऊंगा। तो इस तरह से इनको आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह इसकी मुझे फिर मुझे एक ब्लॉग की, ये तो आर्काइव की सेटिंग हो गई। अब मुझे सिंगल पोस्ट की सेटिंग करनी है। सिंगल पोस्ट की सेटिंग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं वापस इधर जाता हूँ। अच्छा सॉरी, मैंने अपडेट नहीं किया इसको। ओके, ये अपडेट हो चुका है। अब मैं जाता हूँ वापस और इधर ब्लॉग के अंदर आता हूँ। ब्लॉग के अंदर आने के बाद यहाँ पे देखें राइट साइड बार हम ऐड कर चुके हैं, ठीक है। अब मैं इस सिंगल पोस्ट को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे देखें साइड बार ऐड नहीं है। ये मैंने ओपन किया, अगेन इस कस्टमाइज पे क्लिक करूँगा तो यही वाला पेज हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगा। तो मुझे अब इसकी सेटिंग्स करनी है, तो मैं इसके लिए सिंपल यहाँ अगेन ब्लॉग के अंदर जाऊँगा, तो आर्काइव की बजाय सिंगल पोस्ट में जाऊँगा, और इसका भी मैं जो लेआउट है वो कुछ इस तरह से सेट कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें राइट साइड बार पे हमारे पास वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, ओके। तो अभी के लिए जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा इस पर मेन साइड बार पे, अब मुझे इनमें से जो चीज़ें रिमूव करनी है वो मैं रिमूव कर लूँगा। अब जैसे मुझे ये सर्च बार चाहिए, ओके, मैं इसको रहने देता हूँ। ये मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं इस तरह से डिलीट कर देता हूँ। इसी तरह इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। इसी तरह अगेन इसको भी, रिसेंट कमेंट्स भी मुझे नहीं चाहिए, आर्काइव भी नहीं चाहिए मुझे, तो मैं इन सबको इस तरह से डिलीट कर देता हूँ, जो जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे। कैटेगरीज जो हैं, अच्छा इसको भी मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एडिट है। तो ये रीसेंट पोस्ट चाहिए मुझे। अच्छा, इस सर्च बार की जगह ये सर्च बार काफ़ी सही लग रहा है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ वापस और इस सर्च बार को डिलीट कर देता हूँ। सिमिलरली इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट, ओके। अब देखें कुछ इस तरह से हमारे पास सेटिंग आ रही है। इस वाले रीसेंट कमेंट को मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इस पर सेलेक्ट करूँगा और डिलीट कर दूँगा इसको। सिमिलरली ये मेटा डाटा भी मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। आर्काइव भी नहीं चाहिए, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ओके। अब ये मेरे पास कुछ इस तरह से सेटिंग्स आ गई और मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें हमारे पास काफ़ी अच्छा जो है ब्लॉग वो सेटअप हो चुका है। अब इसके अंदर आप जो भी पोस्ट करेंगे वो आप लोगों को अच्छे तरीके से शो होगी। अब मैं एक बेसिक सी डमी सी पोस्ट करके ऐड करता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे पोस्ट के अंदर आता हूँ और ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखें हमारे पास एक कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, जो कि डिफ़ॉल्ट गुटेनबर्ग का एडिटर है, जबकि मुझे ये नहीं चाहिए। ब्लॉगिंग के लिए मेरे ख्याल से जो है क्लासिक एडिटर अच्छा रहेगा। आपने प्लगइन्स में आना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना, और यहाँ पे पहला प्लगइन आपको मिलेगा क्लासिक एडिटर। अगर आपको नहीं मिल रहा तो यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो सिंपल आपने इसको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट कर देना है। अब अगर मैं इसको रीलोड करूँ तो मेरे पास काफ़ी अच्छे ऑप्शन आ जाएंगे अपने ब्लॉग्स को एडिट करने के लिए। ब्लॉग्स के यहाँ पे देखें काफ़ी सारा अच्छा इंटरफेस मेरे पास मौजूद है। अब यहाँ पे मैं एक पोस्ट ऐड करने की करके देखता हूँ किस तरह से शो होगी। फैशन वीक 2023, ये मैं टाइटल दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका टेक्स्ट आ जाएगा। मैं टेक्स्ट क्या करता हूँ, किसी और ब्लॉग से अभी के लिए कॉपी कर लेता हूँ यहीं से। लेट्स से मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ये ब्लॉग, और यहाँ पे जो भी आपका टाइटल होगा वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे अपना ब्लॉग, जो कुछ भी आप ऐड करना चाहेंगे। और यहाँ से आप कैटेगरी चूज़ कर लेंगे, किस कैटेगरी के अंदर ये जाना चाहिए। फैशन के अंदर मैंने रख दिया इसको, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ और इसकी एक इमेज लगा देता हूँ, थंबनेल या कुछ इस तरह से। आई गेस ये वाला सही रहेगा, ये सही रहेगा। तो ये मैंने फीचर इमेज लगा दी, पब्लिश किया। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे
फ्रंट एंड के ऊपर आके यहाँ पे देखिए हमारे पास ये हमने ब्लॉग पोस्ट की और यहाँ पे देखिए हमारे पास वो शो हो गई और उसी तरह से जैसे हमने ऐड किया था, राइट। अब मैं देखता हूँ मैंने इसको फैशन वाली कैटेगरी के अंदर ऐड किया था, तो क्या फैशन पे जब क्लिक करूँगा ये वाली पोस्ट शो होगी? जी हाँ, ये शो हो रही है। तो ये देखिए आपका एक काफ़ी अच्छा ब्लॉग और यूनिक ब्लॉग यहाँ पे बन चुका है। इसको आप जितना टाइम इसके ऊपर और ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं कर लें और काफ़ी सारे तरीके से अच्छे तरीके से आप इसकी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं थोड़े से ऑप्शन को आप देखेंगे तो, राइट। तो ये एक ब्लॉग आप लोगों ने सेटअप कर लिया, सारी चीज़ें कर ली। अब यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे कैसा क्या होता है कि जो कैटेगरीज हैं वो यहाँ पे मेन्यू में शो हो रही होती हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अपीयरेंस के अंदर आके मेन्यू में जाएंगे। मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पे देखें कैटेगरीज का ऑप्शन है, यहाँ से व्यू ऑल और यहाँ से आपने कैटेगरीज को सिलेक्ट करना है जो जो भी आप मेन्यू के अंदर शो करवाना चाहेंगे। यहाँ पे इस कॉन्टैक्टर्स को, ये ब्लॉग है इसको इधर, और ये मैंने अरेंज करके अब मैं इसको रिलोड करूँगा तो कुछ इस तरह से मेरे पास यहाँ पे देखिए ये कैटेगरीज यहाँ पे भी शो हो गई है, ठीक है। अब एक कैटेगरी के अंदर आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे देखें काफ़ी सारे जो हैं उसी कैटेगरी की पोस्ट जो हैं वो आपको नज़र आ रही है। तो आई होप आपको मैंने समझा दिया कि किस तरह से एक ब्लॉग का स्ट्रक्चर काम करेगा, किस तरह से आप एक ब्लॉग डिज़ाइन करेंगे और कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर किस किस तरह से लगाएंगे, लोगों से लेके उसके कस्टमाइजेशन तक और बाकी सारी चीज़ें। तो किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। और किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, अल्लाह हाफिज़।